कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद टी जीवन रेड्डी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात की पेश नज़र इस्कीमात दी जा रही है। बीआरएस पार्टी ने मिशन भगीरथा के नाम पर आवाम पर 50,000 करोड़ रुपए का माली बोझ डाल दिया है। हाउसिंग प्रोग्राम संबंधी असल डिपार्टमेंट तरण मन सेप्टेंबर मन अक्टोबर एनी टाइम फर्स्ट वीक और सेकंड वीक शेड्यूल अवकाश इप्पुडु आर्पाटं चेसि गृहलक्ष्मी अनि बीसी बंधु अनि गानि दलित बंधु अनि गानि मैनारिटी बंधु अनि गानि। जगतियाल के कलेडा गांव से ताल्लुक रखने वाले 200 अफराद ने बीआरएस पार्टी के फलाही कामों से मुतासिर होकर पीएसी चेयरमैन संदीप राव की क़ियादत में आज रुकनी असम्बली डॉक्टर एम संजय कुमार के हाथों बीआरएस पार्टी परचम पहनकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। के प्रकाशन, के गंगय्य, के कृष्णा, के राजू, एम मांझी, के वेणु, के विनय, वी वेंकटेश, वी अंजी, के कोमड़य्य, के किशन, के कृष्णा, के इलय्य, के लक्ष्मीराजन, के भूमय्य, वी वेंकटी, के गुंडय्य, के लच्चय्य, के राजू, के तिरुपति। केसीआर सेवा दल के बानी रियासती सदर और आरटीआई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अमीर की क़ियादत में केसीआर सेवा दल की एक नई रियासती कमेटी का तकर्रुर अमल में आया। अब्दुल अलीम को केसीआर सेवा दल का रियासती सोशल मीडिया सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है, जिस पर उन्होंने मुकामी रुकने असम्बली डॉक्टर सी लक्ष्मा रेड्डी मोहम्मद अमीर का शुक्रिया अदा किया। मरकजी मिलाद कमेटी हनमकुंडा वरंगल की जानिब से 28वां सालाना जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद बतारीख 11 रबीउल अव्वल 26 सितंबर 2023 बरोज़ मंगल बाद नमाज ईशा मुनक़िद होगा। इस साल मरकजी मिलाद कमेटी हनमकुंडा वरंगल की तरफ से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 28वां सालाना जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की हमारे जलसे की ये रिवायत रही है कि 11 रबीउल अव्वल को शाम ईशा के बाद जलसा शुरू होता है और सुबह फज्र के वक्त जलसा ख़त्म होता है और फिर इसके बाद लंगर आम बराए खासवाम तकसीम होता है और इसमें सभी शामिल होते हैं। मगर इस साल एक अजब बात यह हुई कि 27 तारीख को 11 रबीउल अव्वल है जो हमारी रिवायत की तारीख आई, लेकिन इसी दिन हमारे वरंगल में गणेश विसर्जन के लिए वही तारीख चुनी गई है। हमारी